बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स नाउ में। मेरा नाम है शुभेंदु पांडे। पाकिस्तान के पास एक बार फिर से मौका होगा पुराना बदला लेने का, पुरानी हार का फिर से बदला लेने का। उनके पास एक सुनहरा मौका है, लेकिन क्या वो हासिल कर पाएंगे या क्या वो बदला ले पाएंगे, उसी के बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे कि आखिर किस सीरीज का ऐलान हुआ है। जो आप थंब देखे होंगे कि एक नई सीरीज का ऐलान हुआ, तो आखिर उसी के बारे में बताएंगे कि आखिर वो कौन सी सीरीज है जहां पाकिस्तान ये उम्मीद कर रहा है कि शायद उसको जीत नसीब होगी। तो लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक स्पोर्ट्स नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, और हमारे जो बाकी के वीडियो हैं उन पर भी आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। अब आते हैं दरअसल इस खबर पर। पाकिस्तान ने अपना एक शेड्यूल जारी किया अगले साल के T20 कार्यक्रमों को लेकर। वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान को इंग्लैंड के साथ T20 की सीरीज खेलनी है, जहां पर उनकी मेंस टीम और विमेंस टीम भी मुकाबला खेलती हुई नजर आएंगी, और दोनों ही टीमें इंग्लैंड की टीम के साथ ही मुकाबला खेलेंगी। इंग्लैंड के साथ पाकिस्तान के पास मौका रहेगा 4 T20 मुकाबले खेलने का, जो 22 मई से जिसकी शुरुआत होगी। और यहां पर जो बदला लेने की बात है वो इसी रेफरेंस में, क्योंकि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के फाइनल में, T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड से हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में उनके पास मौका होगा उस हार का बदला लेने का। साथ ही अगर बात कर ली जाए वर्ल्ड कप से पहले, हमने देखा था कि वहां पर भी इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच 7 T20 मुकाबलों की सीरीज हुई थी, जिसमें अगर देखें तो 4-3 से पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा था। पिच को लेकर बड़ी आलोचना हुई थी, पाटा पीछे बन रही थी, रन खूब बन रहे थे, और मुकाबले अगर आप देखें तो वहां पर इंग्लैंड लगातार जीत रहे थे। जिसमें बवाल ये भी हुआ था जब मैच सीरीज खत्म हुई, मोइन अली ने तो स्टेटमेंट दे दिया था कि हमें तो ये जो सीरीज थी वो 7-0 से ही जीतनी चाहिए थी, ये उनका कहना था, जिसको लेकर थोड़ा पाकिस्तानी फैंस बड़े नाराज भी हुए थे। ऐसे में वो नाराजगी, मोइन अली का जो बयान है वो अगर आप देखें, और साथ ही वर्ल्ड कप के फाइनल की हार, और साथ ही उस सीरीज की हार के बाद एक तरीके से पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच भी वो टसल बन रहा है। और ये मौका रहेगा कि अगले साल जो T20 का वर्ल्ड कप खेला जाना है अमेरिका, और वहाँ पर जिस तरीके से जो अमेरिका और फिर वेस्टइंडीज़ की मेज़बानी में जो वर्ल्ड कप खेला जाएगा, उससे पहले यानी कि जून में वर्ल्ड कप खेला जाएगा, और मई में ये सीरीज होगी 4 T20 मुकाबलों की, जहां पर पाकिस्तान अपनी तैयारियां अच्छी कर सकता है और वहां पर मौका रहेगा इंग्लैंड को हराने का। इस सीरीज से पहले पाकिस्तान के पास नीदरलैंड और आयरलैंड के साथ भी T20 मुकाबलों की सीरीज, 3-3 T20 मुकाबलों की सीरीज खेलनी जानी है, जहां पर वो अपनी बेहतर तैयारी कर पाए। तो ये अच्छा मौका रहेगा इंग्लैंड के, ये पाकिस्तान के पास, कि वो किस तरीके से अपनी तैयारियां करता है, वर्ल्ड कप के लिहाज से भी बेहतर हो जाएगी। लेकिन वहां जो टीम बनाने की बात करें, बाबर आजम हो गए, चाहे वो रिजवान हो गए, और उनकी जो बेहतरीन गेंदबाज हो गई, ये लाइनअप देखने वाली बात रहेगी, क्या जो तरीका है इंग्लैंड का, क्या उसको वो वहां पर टक्कर दे पाएंगे, और या फिर जो जिस तरीके से मोइन अली का स्टेटमेंट था, 4-0 यहां पर इंग्लैंड को कारनामा कर पाएगी, अपने आप में देखने वाली बात रहेगी। लेकिन स्पोर्ट्स नाउ पर आपको लगातार खबरों की जो है अपडेट लगातार हम साझा करते रहेंगे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, आपसे गुजारिश रहेगी कि आप हमें बस सपोर्ट करते रहिए, चाहे हमारा फेसबुक पेज हो गया, चाहे हमारा इंस्टाग्राम पेज हो गया, चाहे हमारा वो ट्विटर वाला पेज हो गया। अगर आपने अभी तक सपोर्ट नहीं किया है, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप अभी तक हमसे जुड़े नहीं हैं, तो प्लीज़ जुड़ जाइए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।